मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्व सीएम चौधरी चरण सिंह, पूर्व पीएम नरसिंहा राव और वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की है। इसके पहले लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी, जिस पर काफी राजनीति हुई थी। वहीं पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने पर जयंत चौधरी के डीएनए के साथ जाने की संभावना बन गई है। मैं कहता हूं दिल से मोदी जी को विशेष तौर से धन्यवाद और आभार कि आपने आज चौधरी अजीत सिंह जी का अधूरा सपना पूरा किया। दिल से मोदी जी को विशेष तौर से धन्यवाद और आभार। बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, भावुक पल हैं ये, यादगार पल हैं, स्मरणीय हैं। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है, 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है, देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ा हुआ है, जुड़ी हैं, और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। बहुत समय से गांव के लोगों में एक टीस थी कि जो उनके बीच के व्यक्ति इतने बड़े राजनेता, बड़े बड़े पदों पर रहते हुए, उनके लिए जिन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिनका प्रभाव आज भी कमेरा वर्ग, किसानी और मजदूरी कर रहे लोगों पर पड़ता है, चौधरी चरण सिंह जी जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, जो आज मुख्यधारा में लोग नहीं हैं उनकी हिम्मत बढ़ाने का फैसला आज भारत सरकार ने लिया है। पूरे देश में सभी चौधरी साहब को मानने वाले लोगों के लिए खुशी के पल हैं। मैं चौधरी अजीत सिंह जी को भी याद करता हूं, ये उनका सपना था, और इसलिए मैं कहता हूं दिल से मोदी जी को विशेष तौर से धन्यवाद और आभार कि आपने आज चौधरी अजीत सिंह जी का अधूरा सपना पूरा किया। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।